दोस्तों अगर दुनिया में सबसे वफादार जानवर की बात की जाए तो उनमें सबसे पहला नाम कुत्तों का ही आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुत्ते मालिक के प्रति इतने वफादार होते हैं कि कई बार उनके लिए वे अपनी जान पर भी खेल जाते हैं, साथ ही खतरा महसूस होने पर किसी की जान भी ले सकते हैं। आज हम आपको इस एपिसोड में दुनिया के 5 ऐसे खतरनाक डॉग ब्रीड के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतने खतरनाक हैं कि इनमें से कई कुत्तों को पालने पर बैन भी किया गया है। पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है पिटबुल। दोस्तों आप लोगों ने पिटबुल कुत्ते का नाम तो जरूर सुना होगा। पिटबुल कुत्ते की गिनती पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों में होती है और इसके हमले से बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। दुनिया भर के कई देशों में इन कुत्तों के पालने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। हालांकि अमेरिका और अन्य कई देशों में पिटबुल को आज भी पाला जाता है, लेकिन इसके लिए एक अच्छी ट्रेनिंग लेना भी बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि साल 2015 में अकेले ही अमेरिका में पिटबुल के हमले से 28 लोगों की मौत हो गई थी। पिटबुल का वजन 16 से 30 किलो के बीच होता है। इस नस्ल के कुत्ते इतने खतरनाक हैं कि ये अकेले अपने आकार के 3 कुत्तों के साथ एक साथ लड़ सकते हैं। ये 4 इंसानों जितना खाना अकेले ही एक दिन में खा जाता है। इसकी सही देखरेख करना आपको काफी महंगा पड़ सकता है। दोस्तों आपके पास कौन सा डॉग है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 2 पर है रोटाविलर। रोटाविलर प्रजाति के कुत्ते शक्तिशाली होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा फुर्तीले भी होते हैं और यही कारण है कि बहुत ही कम समय में ये कुत्ते किसी भी व्यक्ति को मौत के घाट उतार सकते हैं। आपको बता दें साल 1993 से 1996 तक अमेरिका में कुत्तों के काटने से बहुत सारे इंसानों की मौत हो गई थी और जिसमें से आधे से ज्यादा की मौत रोटाविलर कुत्ते के हमले से हुई थी। रोटाविलर कुत्तों की प्रजाति का वजन 50 से 60 किलोग्राम होता है। ये कुत्ता अपने दुश्मन पर 148 किलो के दबाव से हमला करता है और इतने ज्यादा दबाव के कारण रोटाविलर किसी भी व्यक्ति की जान ले सकता है, वो भी एक झटके में। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर पर। नंबर 3 पर है जर्मन शेफर्ड। दोस्तों जर्मन शेफर्ड काफी पॉपुलर कुत्ता है। आप लोगों ने इस कुत्ते को पुलिस के हाथों में भी बहुत बार देखा होगा। इस कुत्ते का इस्तेमाल सर्च ऑपरेशन के लिए किया जाता है। ये कुत्ता अपने दुश्मन पर 108 किलो के दबाव से अटैक करता है जिसके बाद दुश्मन का बच पाना नामुमकिन हो जाता है। इन कुत्तों का वजन 30 से 40 किलोग्राम के बीच होता है। पुलिसिया कुत्ते के रूप में पहचाने जाने वाले जर्मन शेफर्ड दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक हैं। कई देशों ने इन्हें पालने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन आज भी हम इसे भारत में आसानी से देख सकते हैं। नंबर 4 पर है डॉबरमैन। डॉबरमैन प्रजाति के कुत्ते भी पुलिसिया डॉग होते हैं, लेकिन अब आम लोग भी इसे अपने घरों में पालने लगे हैं। यह खतरनाक कुत्ता अजनबियों को देखते ही आक्रामक हो जाता है, लेकिन अक्सर मालिकों को देखते ही शांत भी हो जाता है। इन प्रजाति के कुत्तों को पुराने समय में राजा महाराजा द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। वो इन कुत्तों को अपने साथ शिकार पर ले जाते थे। इनका कम वजन होने की वजह से इनकी रफ्तार काफी बढ़ती है और ये एक शानदार शिकारी बनते हैं। और नंबर 5 पर है बुल मैस्टिफ। बुल मैस्टिफ आक्रामक स्वभाव वाला कुत्ता है जिसके पैर बहुत ही लंबे होते हैं। इस प्रजाति के कुत्तों का वजन 55 से 60 किलो तक होता है। जैसा इनका वजन होता है वैसे ही इनका जबड़ा भी होता है। ये एक ही बाइट में आपकी हड्डी का चूरा कर सकते हैं। आमतौर पर इन कुत्तों को खेत में जंगली सुअरों से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर सही ट्रेनिंग दी जाए तो इनसे ताकतवर और वफादार कुत्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको इन 5 में से कौन सा डॉग सबसे खतरनाक लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दें। साथ ही आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें पार्ट सेकंड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।